अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ARK पिजन्स में आपका स्वागत है। मैं अकरम खान। एक भाई का सवाल था कि भाई एवरी को गर्म कैसे रखे, परिंदों को सर्दी में परिंद का ख्याल कैसे रखे। सर्दी आ गई कि हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि भाई परिंदों को गर्मी देने के चक्कर में उनको इतना गर्म कर देते हम लोग रात में, या शाम से ही ढाकना शुरू कर देते, पूरा जाल बंद कर देते हैं, हवा जाने नहीं देते अंदर, और फिर सुबह आके हम लोग जाल को पर्दा हटाते हैं और सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चली जाती है। तो भाई लोग कैसा होता है ना, देखिए परिंदों को गर्म रखने के लिए हम लोगों को पर्दे लगाना चाहिए हमारी एवरी पे। आपका जाल पे डिपेंड करता है, आपका जाल कितना बड़ा है, आपका छोटा जाल है या आपने बड़ी एवरी टाइप में बनाया है या जो भी आपने शेड वगैरह किया है। तो कोशिश ये करें कि भाई आप लोगों को ना पूरा जाल कवर नहीं करना है, मतलब कहीं ना कहीं से हवा जानी चाहिए अंदर और डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए हमारे परिंदों को। जो भी हमारे बर्ड्स है, कबूतर है हमारे पास या बकरियां है, जो भी है XYZ, आप जो भी चीज़ पालते हैं, जो भी चीज़ का शौक रखते हैं, आप ढाकिए, लेकिन डायरेक्ट हवा बस उन तक नहीं पहुँचना चाहिए, बाकी थोड़ी बहुत हवा अंदर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग रात में इनको ढाकेंगे, पूरा पैक कर देंगे, बंद कर देंगे और फिर हम लोग सुबह ऊपर जाते हैं, कोई दाना पानी के लिए जाता है, कोई कबूतर उड़ाने के लिए जाता है, तो उसमें क्या होता है, फिर हम जाने के बाद में डायरेक्ट सुबह सुबह जाके पर्दे हटाएंगे, जो भी आप टाट से थैले से उसको ढाकेंगे वो हटाएंगे, तो उसको डायरेक्ट सुबह की हवा लग जाएगी। रात भर आपने उसको गर्म रखा और सुबह में एकदम अचानक से उसको ठंड में छोड़ दिया, तो इससे आपका जो बीमार नहीं होने वाला परिंदा है ना वो भी बीमार हो जाएगा। तो ख्याल ये रखिए भाई, मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने मेरी एवरी को कैसे कवर किया है और आपको कैसे करना है। आप इस पर मतलब एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आप लोग देख के आपकी एवरी को या आपका जो भी जाल है आप उसको आपके हिसाब से कवर कर सकते हैं। ये मेरा अंदर का पूरा जाल का इंटायर है, मैं अंदर किसी को भी नहीं ढाकता हूँ। जो अंदर पिंजरे हैं, जो केज है मेरे अंदर बने हुए, वो ऐसे ही रहते हैं। बाकी मैंने जाल को कवर किया है, ये अंदर से दिखा देता हूँ मैंने फ्रंट कैसे कवर किया। ये देखिए एकदम लाइटर वे में कवर किया है, बस ज़्यादा हवा ना लगे और डायरेक्ट हवा परिंदों तक ना पहुँचे। ये मेरा अंदर से देखिए जाल मैंने फ्रंट जो किया, बाकी सब तो मैंने टीन शेड किया हुआ है तीनों की तरफ से। फ्रंट मेरा पूरा जाल है और ये बैक में मैंने थोड़ा सा ऊपर 1 फीट का जाल रखा है, तो उसको कवर नहीं किया। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है मेरे जाल का फ्रंट सामने से मैंने आपको दिखाया है, इस तरीके से मैंने ढाका हुआ है, बहुत ज़्यादा एकदम बंद भी नहीं कर दिया और बहुत ज़्यादा खुला हुआ भी नहीं है, डायरेक्ट हवा मेरे परिंदों को नहीं लगती है, ऐसा मैंने ढाका है और ऐसा उसको कवर किया है। तो वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भाई का कुछ सवाल होगा, जो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बिल्कुल करूँगा भाई, कमेंट करें, सवाल करें, आपको आपकी मदद करूँगा इंशाल्लाह।